हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SCS ईडीओ पॉइंट पर। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे सेशन PCS मुख्य परीक्षा 2019 के लिए कितने तैयार हैं आप खुद को जांचें विथ SCS ईडीओ पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज इसका 15वां सेशन लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम पुनः 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने मन से दीजिए और अपनी परीक्षा तैयारी को जांचिए कि आपकी परीक्षा तैयारी सही दिशा में जा रही है अथवा नहीं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल ये है कि भारत के पूर्वी भाग, विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में नक्सलवाद के पनपने के क्या कारण हैं, इसके समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इन राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में आए दिन नक्सली हमले दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं, जिसमें कई सेना के जवान भी मारे जाते हैं, कई नक्सलवादी मारे जाते हैं। कभी कभी तो ये नक्सलवादी जो होते हैं खुद को सरेंडर भी करते हैं। तो ये नक्सलवादी इन क्षेत्रों में क्यों पनप रहा है, आपको इसका कारण बताना है। अब इसका कारण जो अशिक्षा भी हो सकता है, एक प्रकार से अपनी संस्कृति की रक्षा भी हो सकती है, किसी भी प्रकार का हो सकता है कारण, आपको इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अब इसके समाधान के क्या क्या उपाय हैं आप इसको भी बता सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं इसकी भी व्याख्या आपको करनी है, आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के बिना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप का मूल्यांकन करें। तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह सकता है, क्योंकि आजकल कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि गांधी जी नहीं होते तो हमें स्वतंत्रता तब भी मिल गई होती, या किसी प्रकार से मिल जाती, या गांधी जी होते तो ऐसे हुआ, गांधी जी नहीं होते तो ये नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको देख सकते हैं, आप इसका आंसर खुद के रूप में मूल्यांकन इसका कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि गांधी जी के बिना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किस स्वरूप में होता या किस प्रकार होता, होता भी या नहीं होता, आप इसका मूल्यांकन खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप गांधी जी के बारे में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में इतने ज़्यादा परिचित तो होंगे ही कि स्व मूल्यांकन इसका ज़रूर कर सकते हैं। तो हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, अगला क्वेश्चन कहता है, प्रतिबद्धता क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सिविल सेवक का प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज के समय में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रखी है, क्योंकि सभी राज्य कहते हैं कि हम एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं जिसमें सभी लोगों को समान सुविधाएं दी जाएंगी और सभी का समान कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। तो समान कल्याण सुनिश्चित करने में सिविल सेवक का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सिविल सेवक का अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए आपको सर्वप्रथम इसमें प्रतिबद्धता का परिभाषा बताना है, उसके बाद तब आपको बताना है कि कल्याणकारी राज्य के लिए सिविल सेवक का प्रतिबद्ध होना आवश्यक है, इस बात की व्याख्या करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के उद्देश्य और प्रावधानों को स्पष्ट करना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले साल 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी, इसलिए यह सवाल आपके लिए चर्चा में आ सकता है। आपने देखा होगा कि आपकी मुख्य परीक्षा में कुछ योजना से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चूंकि यह UPPCS परीक्षा है, इसलिए ये सुमंगला योजना आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रख सकती है। आप इसको विस्तारपूर्वक देखिएगा, इसके जो उद्देश्य हैं, प्रावधान है, क्या क्या है, इसको आप लिख सकते हैं और समीक्षा कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या आशय है, प्लास्टिक कचरे के नियंत्रण के उपायों की व्याख्या करें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले वर्ष गांधी जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त घोषित किया था। इसी समय हमारे उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था, परंतु फिर भी ये प्लास्टिक चोरी छिपे तो अभी चल ही रहा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे।
लेकिन आपको इसमें बताना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या आशा है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक से आप सीधा सीधा आशा जानते होंगे, यूज एंड थ्रो। एक बार इसका यूज करिए फिर फेंक दीजिए, यही आपके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक हो सकता है। इसका परिभाषा आप बताइएगा विस्तार पूर्वक, इसका जो बनावट है उसको आप बता सकते हैं कैसे बनती है, और प्लास्टिक कचरे के नियंत्रण के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस समय हमारे देश में प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने की चर्चा चल रही है, तो ये इस उपाय में एक महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। आप इसे अपनी हेडिंग में अवश्य शामिल कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसका आंसर विस्तार पूर्वक दीजिएगा, ये आपके लिए एक अच्छा सवाल है, प्रदूषण से ही संबंधित रिलेटेड सवाल है, इसलिए आप इसका आंसर विस्तार पूर्वक दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले सेशन में।